जो अभी ये टॉप पहन लेती हूँ कितना छोटा सा लग रहा है, पर ये मेरे पूरे फिट आएगा पता है। ये मैंने बैंकॉक से लिया रेडी। ये टॉप इतना ज्यादा सेक्सी है, इतना प्यारा लग रहा है ना, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। सो गाइज, मैंने फ्रेंड्स के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, तो आज मेरा हिंदी वाला बर्थडे था और ख़ुद के साथ सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने अपना हैप्पी बर्थडे फिर से सेलिब्रेट कर लिया। बट यार, कुछ लोग बोलेंगे कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुआ, बट यार आई गेस खुद को खुश करने के लिए आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे अच्छा लगता है बलून्स, फ्लावर्स, केक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हो आपके लिए जो करे, आप खुद भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सो आई एम हैप्पी, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज डे 2 है और आज हम चेकआउट भी कर देंगे, तो उससे पहले हम बीच में जाकर आते हैं ना। शॉर्ट्स पहन के सो गई थी, बाकी देखो ना यहाँ पे फ्लावर्स लगा दिया था, वो मैंने लिया था ना बस स्टैंड में एक लड़की से फ्लावर, तो मैंने सोचा उसको डेकोर कर देती हूँ क्योंकि फ्लावर ऐसे भी टूट रहे थे। बलून्स वगैरह सब निकलते जा रहे हैं, देखो ना मन कर रहा है गुच्ची के लिए बलून ले जाऊँ, बट कैसे लेके जाऊँ यार, कोई बात नहीं हम नया फुला लेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसे ये भी दिया, इसको तो मैंने यूज़ भी नहीं किया, देख रहे हो मुझे बलून्स बहुत पसंद है। ब्रेकफास्ट मंगा लिया, इडली और फ्रूट्स और थोड़ा जूस मंगाया, ये जूस मुझे बहुत पसंद है, रियल का ऑरेंज जूस। तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ये नज़ारे के साथ। 11:45 का लास्ट यहाँ से, तो मेरे को निकलना पड़ेगा यार, मैंने बहुत लेट कर दिया। कोई बात नहीं, फटाफट रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं, वरना उसके बाद बस मिलेगा नहीं। बिल्कुल फटाफट अभी पैकअप कर लेते हैं, सामान रख रहे हैं फटाफट और निकल पड़ते हैं, क्योंकि 11:45 का बस है, मेरे को मिस नहीं करना है क्योंकि मेरे को कोलकाता जाना है, बहुत याद आ रही है यार सबकी। अब चलो फटाफट, खुशी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, और ये जूस बहुत टेस्टी है, फटाफट पीती हूँ। 1, 2, 3 नीचे गई तो पता चला 1:30 का बस है, तो अभी एक घंटा है, चलो बीच में। बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और ये गॉगल्स देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, ये मैंने लिया था बैंकॉक से 100 baht, मतलब इतने सस्ते में है बट अच्छा है ना यार, देखो। चलो चलते बीच में, ऐसे जैकेट पहन लूँगी क्योंकि बीच में बहुत धूप है यार। अभी तो फ्रूट्स भी खा लेते ना, फ्रूट्स तो खाए नहीं मैंने, खा लेते हैं। अलका आपकी गुड गल है ना, डलते इसको यहीं रखते हैं। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप है, बाप रे बाप, बहुत धूप है, पर यही करूँ, अब इतने दूर आई हूँ, बीच में ना हूँ कैसे होगा बताओ। आ गई है धूप है ना, बाल खुल जाओगे तो बाल आपका उड़ जाएगा, इतनी कड़ी धूप, बाप रे। मैंने तो सनस्क्रीन वगैरह लगाया था, अच्छा है, अचानक से प्लान हो गया बीच में आने का, भगवान की सब देखते हैं ना, सही टाइम पे सही चीज़ कर देते हैं। देखो चलो कुछ सोच रहा ना, कोई राइड वाइड कर लूँ। ओह माय गॉड, पूरा बीच खाली है, मैंने बट यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा जिसको मैं बोलूँ कि मुझे राइड करना है, बताओ कितना प्यारा मज़ा आएगा ना ऐसे बीच के पास ऐसे राइड करना। कोई नहीं, जब तक हम बीच के पास चलते हैं, ये कोई आएगा तो देखेंगे, वहाँ नारियल का पानी मिल रहा है इसलिए बहुत। बीच में ये जीन्स पहनी हुई ना यार, कोई नहीं थोड़ा आगे चलते हैं। कितना प्यारा लगता है ना समुंदर, ये वो, आपको माउंटेन ज़्यादा पसंद है कि बीच, मुझे बताना है ना। ये वो आएंगे कुल्फी, देखो भैया बना रहे हैं हमारे लिए, अच्छे से भैया रखते हैं कंटेनर पर, देख रहे हो बना दो, देखो हाँ सही से, देखो 20 rupees में कुल्फी मिल जाती है, देर हुआ टेस्टी है यार कुल्फी, ऐसे खा लेना चाहिए यार। अरे तो देरी हो, कुछ तुम्हें आवाज में समझ में कुछ आता है, जा रहे बस के लिए, 12:40 की बस है बाकी यार। एंड मैंने ना सैंडविच ऑर्डर किया था, इन लोगों ने पैक करके फटाफट दे दिया, अभी 12:30 हो रही, 10 मिनट में हमें पहुंचना है, और साथ में इन्होंने मेरे को पता है कॉम्प्लीमेंट्री था हमसे दिया, देखो सो थैंक यू सो मच। बाकी ये स्टे बहुत अच्छा था, अभी हम चलते हैं फटाफट घर की तरफ, और यहाँ इतनी गर्मी ना मंदार बनी में, ठंड के समय सही रहेगा भाई, बहुत गर्मी बहुत गर्मी। भैया हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं गाइस, देखो चलो चलते हैं, पूरा ग्रीन। सो बस में एक चीज़ अच्छी लगी, सब तरफ अंधेरा था और ऊपर सोने की सीट थी, तो मेरा तो बैठने का था, मैं बैठ ही दी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एसी की, एंड देखो सोने का सीट कितना अच्छा बनाया हुआ है, कपल्स के लिए सही है। बाकी यहाँ मैंने आंवला ले लिया, आंवला खा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो वॉमिट जब हो तो आंवला खा लिया करो। और मैं खिड़की के पास बैठी हूँ, देखो नज़ारा देखते देखते मस्त घर जाते हैं अपन, एसी वेसी चल रही है तो अच्छा लग रहा है यार। एंड ये जो वेजिटेबल चीज सैंडविच थी वो कितनी ज्यादा टेस्टी थी, मैं क्या बताऊं, कर रहा है यू आर गुड, लो पी जाओ, मैं तो ये ले आई,
मम्मी मम्मी फाड़ देगा मम्मी फाड़ देगा कुछ कुछ नहीं है। केक निकालो नन्नी को खिलाओ केक। पापा केक खाना है? तुषार के लिए भी दे देना मम्मी, डब्बा वाला केक है। मूंग चावल बनाया था तो वही अभी हम जाके खाएंगे, फेवरेट है। और ये हर दुर्गा पूजा के टाइम पे मम्मी बना रही है। घी डालकर देखो, वाह मम्मी मेरे लिए रखी थी बड़ी है। देखो मैंने बोल दिया था फोन करके मेरे लिए रख देना, हम आएंगे। हम बोलते ना मम्मी हम आएंगे, अब फिर भी समझा नहीं कि हम आने वाले हैं, सरप्राइज देते रहते हैं। नहीं नहीं हम तो बोले थे आपको टाइम से आ जाएंगे। ये क्या बना रहा है, आलू का पूड़ी? यार इतनी गर्मी में आलू का पूड़ी मन नहीं है मम्मी यार। मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे को बहुत पसंद है गाइस। हो गया हमें जल्दी मुझे भूख लग रहा है। घी, वाओ गुड, गरम गरम कड़ी एंड साथ में मूंग चावल और लापसी। मोमो लेके नहीं आया, टॉफी के लिए मोमो ले आया और ये हमको एक पीस दे दिया। देखो एक पीस उठाओ, दे दे दो पीस, नहीं एक पीस दे रही है। देखो क्या होगा इससे मेरा, भूख लग रहा है। ठीक है खाओ तुम। प्राइस है Oh my God, ये गुची देखो बलून, वाव ओ वाव, खुश हो गया। देखो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पूजा में ना, एक पूजा है वहाँ पे जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर पे, और हम दुर्गा जी देखेंगे है ना। Yes. मैं खुद पता नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। ये सूट पहनी है और मैंने ऐसा पहना ट्रैक पैंट टी शर्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं हम लोग पूजा में जा रहे थे, हम लोग को यही वेयर करना चाहिए। इसने ले लिया, मेरा ले लिया, खत्म करते हैं। वहाँ पे बच्चे लोग हैं ना तो देने के लिए। देखो ये एक बच्ची को बहुत पसंद है गाइस, देखो पानी दे रही है ये। आंटी बहुत क्यूट लग रही है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है वहाँ। ऐसी मेरे को रेडी कर देना एक दिन, ठीक है? बंगाली लुक कितना प्यारा लग रहा है, है ना? आंटी बहुत सुंदर लग रही है। गया आटा चावल चीनी सब, और बाकी मम्मी को बिस्किट्स, बिस्किट्स मम्मी ने जो बोला था, ये पापा का फेवरेट है नारियल बिस्किट। हाँ तो आधा किलो मंगाया तो आधा किलो ना आएगा मुझे, ठीक है ले आएंगे। और भाई सब बिस्किट इसके ऊपर ले जाए क्या? हाँ ठीक है, साबुन और मंगा देंगे मम्मी, अभी जितना मंगाया उतना रोक ना। तेल 5 किलो बोले थे ना, तो 5 किलो नहीं है क्या तेल? 1 किलो का पैकेट है, और मंगा देंगे फिर तेल भी। मंगा देंगे अभी अभी थोड़ी देर में मंगा देंगे, ठीक है? तेल मंगाना पड़ेगा यार, घी का डब्बा ही छोटा आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। नखरा सबका अलग है, गुची अपना खाना नहीं खा रहा, उसके लिए केला ऑर्डर किया है। और ये बैंड बाजा जो बज रहा ना, अभी हमारे घर के पास वाला पंडाल का ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग। चलो तुम्हारा लेके आती तू, अब इसके लिए केला वेला मंगाया, खाता नहीं है बच्चा कुछ, बताओ। नखरेबाज मेरी तरह नखरा है इसका, बहुत गया मुझ पे। आप बैठ के खाते रहना, आपको पसंद है ना टीवी देखते देखते खाना। लो गुच्ची के लिए, ये गुच्ची के लिए थी, तू कहाँ मंगाई है? और ले ले तो शोलो केला मंगाई, लो इसको खिलाते रहना बैठ के। चलो इसको फाड़ने दे दो, एंजॉय करें। लो गुच्ची फाड़ो, लो फाड़ो गुच्ची, फाड़ो गुच्ची, फाड़ो। सो गाइस मैंने सबसे पहले एक ऐसा पंडाल देखा जहाँ पे पूरा दिखाया गया था कि किस तरीका से पोस्ता साइड में लोग बहुत मेहनत से माल लोड करते हैं। ट्रक था, बहुत सारा माल था, बहुत सारे लेबर्स लोग जो इस तरीके से चढ़ते हैं और माल जो है ना गाड़ी तक पहुँचाते हैं। काफ़ी हैवी होता है माल, बट क्या करें उनका भी ये काम रहता है, और इन लोग हैवी से हैवी चीज़ माथे पे उठा के चलते हैं। तो यहाँ जो दुर्गा जी देखी मैंने, एक माँ का रूप था, जो माँ सब कुछ कर सकती है, एक माँ सब कुछ कर सकती है, ये मुझे समझ आया। फिर एक यहाँ पे ऑटो बंद हो गया तो टैक्सी मिला मुझे, टैक्सी वाला एक एक जन से 40 रुपीज़ ले रहा था पर पर्सन 40 रुपीज़। तो मेरे अगल बगल बहुत सारे अंकल बैठे थे, कोई उपाय नहीं था यार, इतना दूर जाके मैंने सोचा पंडाल देखूँ, बट बहुत भीड़ थी इसलिए मैं आ गई कैफ़े एक ठो जहाँ पे मैंने शेक पिया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कमेंट्स पढ़ने की तो अनु गुप्ता ने लिखा, आप मुझे बहुत पसंद हो, आपने मेरा नाम कभी नहीं लिया और कभी मोराबद आओ। ओके अनु गुप्ता, थैंक यू सो मच। नम्रता ने बोला है कि अपनी स्किन केयर शेयर करो, दी आप बहुत सुंदर हो, थैंक यू सो मच, मैं आपको स्किन केयर ज़रूर शेयर करूँगी। गुची आ गया मेरे पीछे। हर्षिता ने लिखा है, सच में इनका घर देख के कितना लगता है ऊपर से ये ओवर एक्टिंग की दुकान। ठीक है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, ठीक है, और अगर आप ओवर एक्टिंग नहीं करते तो आप भी मुझसे सीख लेना, ठीक है? क्या बोलूँ आपको बताओ। सान्या ने बोला है, दी आपका वीडियो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सान्या। सो आज का ब्लॉग ये एंड करते, कल मिलते हैं और एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ, अपना ध्यान रखना।